नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अथर्व वर्मा है और आज की वीडियो में हम फिर से बात करेंगे फर्जी एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में। और इसके ऊपर हम जो है पहले भी काफी चर्चा कर चुके हैं फर्जी एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर, लेकिन आज की वीडियो में हम फिर से बात करेंगे आपके और मेरे पर्सनल फेवरेट उन महाराज जी के बारे में, उन बाबा जी के बारे में जो कि बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं और अलग अलग कलर के कुर्ते पहनते हैं और बड़ा मीठा बोलते हैं। जी मजा आया था उनकी बातें सुन के। तो हुआ ये कि भैया कल रात को जो है मैं फ्री बैठा हुआ था और मैंने उनकी तीन चार वीडियोस देख ली, वैसे देखना नहीं चाहिए थी लेकिन देख ली। और उस वीडियो में वो बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि भैया मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है लोगों की सेवा करना, लोगों तक ये सामान जाए पहने और उनका जो है कल्याण हो आगे बढ़े। देखो जी, अच्छी बात है लोगों की आप सेवा करो, बढ़िया बात है, लेकिन ऐसा सफ़ेद झूठ मत बोलो कि मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। अगर आपका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है तो आप YouTube पे वीडियो बनाना बंद कर दो, अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, ये फालतू की ड्रामेबाजी बंद कर दो, पब्लिक को झूठ बोलना मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य तुम्हारी सेवा करना है, तो तुम यार बंद कर दो वीडियो बनाना। क्या है देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं, YouTube पे चाहे मैं हूं या कोई और बंदा हो जो वीडियो बना रहा है, कोई पर्टिकुलर स्टोन के बारे में आपको नॉलेज दे रहा है, चीजें बता रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं मोटिव यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़ें, ठीक है, और उस इंसान के जो है कस्टमर बने और सामान खरीदें और वो भी अपनी लाइफ में ग्रो हो और अच्छा सामान जो है लोगों तक पहुंचाए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो है उस बंदे के पास भी जो है जुड़ते जाएं। सिंपल सी बात है, कोई ड्रामेबाजी नहीं। आज अगर मैं वीडियो बना के आपको नॉलेज दे रहा हूं तो मेरा भी सीधा उद्देश्य यही है, सिंपल मोटिव यही है कि भाई मेरे पास अच्छा सामान है, ऑथेंटिक जेन्युइन सामान है, ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ सामान की अपनी, तो मैं आप तक अच्छा सामान पहुँचाता हूँ और आप मुझसे अच्छा सामान खरीदते हो तो आपका भी भला होता है, क्योंकि आप तक जो है अच्छा सामान पहुँचता है और आपको जो है उसके रिजल्ट मिलते हैं और आप मुझसे जुड़ते हो तो मेरा भला भी होता है, मैं भी अपनी लाइफ में ग्रो करता हूँ, मेरा बिजनेस भी जो है ग्रो करता है। तो अब ये चीज़ हो गई क्लियर, है ना, इसमें कोई ड्रामेबाजी नहीं है, बिल्कुल क्लियर बात है, ठीक है। अब अगर कोई बंदा ये बोल रहा है YouTube पे आके कि मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, तो यार तुम मत आओ ना, तुम बंद कर दो वीडियो बनाना, ये बेवकूफ बनाना बंद कर देना चाहिए लोगों को, मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। जब आप इनके संस्थानों में फोन लगाओगे, इनकी दुकानों पे फोन लगाओगे, तो 100 रुपए की चीज को 1000 में बेचते ही है। अब 100 की चीज तुम 1000 रुपए में बेच रहे हो और फिर फालतू की बातें करते हो YouTube पे आके कि मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, सेवा करना है, ये करना है, वो करना है, फलाना ढिमका, तो ये सिर्फ बेवकूफ बनाने की चीजें हैं। आप क्लियर बोलो ना कस्टमर से, कोई ड्रामेबाजी नहीं, भैया मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, मेरे पास सामान अच्छा है, सबसे बढ़िया क्वालिटी का है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप मुझसे खरीद दीजिए, ठीक है, आप मुझसे अच्छा सामान खरीदोगे, आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा और आपके जरिए मेरे पास और कस्टमर जुड़ेंगे तो मुझे ही बेनिफिट मिलेगा, मेरे बिजनेस को भी बेनिफिट मिलेगा, बिजनेस भी ग्रो होगा और मैं भी ग्रो होऊंगा और आपको ही बेनिफिट मिलेगा। सीधी सिंपल सी बात करो आप, फालतू की ड्रामेबाजी करना, पब्लिक को बेवकूफ बनाना। और देखो क्या होता है, आप ना एक लिमिट तक लोगों को इम्प्रेस करो, फालतू की ड्रामेबाजी करके अगर आप इम्प्रेस करोगे ना तो लोग ना आपको कुछ टाइम बाद देखना बंद कर देंगे। आप बिल्कुल क्लियर टू द पॉइंट बात करो कि भैया ऐसा ऐसा है और ऐसा है, है ना, कि मैं इस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज दे रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है तो आप सामान खरीदो, लेकिन नहीं, हर चीज़ के बारे में फलानी जगह से डायरेक्ट माल आता है। एक तो यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, YouTube पे जितने एस्ट्रोलॉजर हैं सबका माल नेपाल से आ रहा है, सबके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है नेपाल से सबके, और पता नहीं नेपाल में इतने डीलर कहाँ से पैदा होगा पिछले 2-3 साल में कि जो डायरेक्ट इनको माल बेच रहा है, बीच की बाकी पार्टियां पता नहीं कहाँ चली गई, होलसेलर कहाँ चले गए, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे वो कहाँ चले गए, बड़े बड़े डीलर बिग शॉट कहाँ चले गए, डायरेक्ट इनका माल आ रहा है, बीच के इनने पत्ते गायब कर दिए। तो इन सब बातों में ना नहीं आई, सबसे पहली बात में ये मत आइए, अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर बाबा या दुकानदार ये बोल रहा है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, तो उसका चैनल, उसका वीडियो देखना बंद कर दो आज से। दूसरी चीज, अगर कोई बंदा ये आपसे बोल रहा है कि मैं इतनी, अब क्या होता है देखो मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अभी अक्टूबर 2022 है, ठीक है, 2022 चल रहा है और ये अक्टूबर का महीना है, 14 मुखी रुद्राक्ष की कीमत 25,000 रुपये है, एक अच्छा साइज का 14 मुखी रुद्राक्ष आप लोगे 25,000 रुपये कीमत है। बहुत से यूट्यूबरों को मैं देख रहा हूँ 15,000, 12,000, 16,000 रुपये में 14 मुखी रुद्राक्ष बेच रहा है। अब आप जब उनको फोन लगाओगे, उनके कार्यालय में फोन लगाओगे, दुकान में, तो पता क्या बोलते हैं, मेरा माल डायरेक्ट नेपाल से आता है,
मेरे पास बल्क क्वांटिटी में आता है। अरे अगर ट्रक भर के भी तुम्हारे पास रुद्राक्ष आ रहे हैं ना, ट्रक भर के 14 मुखी रुद्राक्ष ट्रक भर के भी आ रहा है तो भी इतनी कम प्राइस नहीं आएगी। और ये मैंने बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे दिया जो कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि 14 मुखी रुद्राक्ष जो है वो एक रेयर कैटेगरी में जाता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। अगर आप किसी डीलर को फोन लाए बोल दो कि मुझे आज 15 पीस चाहिए तो हो सकता है उसको अरेंज करने में टाइम लग जाए, है ना। मैं बड़े बड़े बिग शॉट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल होलसेलर रिटेलर की बात कर रहा हूँ। अगर आप उसको 10-15 पीस का ऑर्डर देते हो तो उसको अरेंज करने में टाइम लग सकता है, क्योंकि एक काइंड ऑफ रेयर कैटेगरी में फॉल करता है 14 मुखी। पर ये लोग आके पता नहीं फर्जी सर्टिफिकेट के साथ, मैं तो जी 15,000-16,000, मेरा तो डायरेक्ट नेपाल से आ रहा है तो मेरे बीच के जो मार्जिन है वो सब हड़े आते हैं, बीच का जो कमीशन है वो देना ही नहीं पड़ता है और डायरेक्ट आप तक सामान पहुंचाता हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस बंदे का माल डायरेक्ट नेपाल से आ रहा है वो यूट्यूब पे सामान नहीं बेचता, क्योंकि उसके पास अगर डायरेक्ट नेपाल से माल आ रहा है इसका मतलब पैसे पैसे से देखा जाए, अगर मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो पहले से ही करोड़पति है, क्योंकि वो इतनी क्वांटिटी में माल ले रहा है और डायरेक्ट ले रहा है तो वो आगे होलसेलर रिटेलर और छोटे दुकानदारों को देगा। उसके पास इतना समय नहीं होगा कि वो यूट्यूब पे बैठ के वीडियो बनाए, घंटों वीडियो बनाए जा रहे हैं, उनके बच्चे जो मतलब बैठे हुए हैं लड़के जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं और सब डायरेक्ट यही बातें कर रहे हैं कि डायरेक्ट आ रहा है डायरेक्ट आ रहा है। अब आप देखना कुछ कुछ वीडियोस में लोग बाग क्या करते हैं, अपने काउंटर के ऊपर इतने सारे रुद्राक्ष बिछा देंगे, इतने सारे 6-7 बोरी रुद्राक्ष बिछा देंगे और फिर बस आपसे डायरेक्ट नेपाल से माल आ रहा है। अरे 5 मुखी 6 मुखी 8 मुखी रुद्राक्ष तो आपको क्वांटिटी में मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं किसी को पर्टिकुलर टारगेट करके डिफेम भी नहीं कर रहा हूँ, किसी की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग जेन्युइन भी हैं यूट्यूब पे, ऐसे एक नहीं बहुत सारे यूट्यूबर देखे हैं जो जेन्युइन है, जो बढ़िया माल बेचते हैं और जिनके पास वाकई में करोड़ों का काम है, जो यूट्यूब पे वीडियो बना के लोगों को गाइड भी करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली उन एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में जिनके बारे में आप अच्छे से जानते हो, और हो सकता है कोई एक आध बंदा नीचे वीडियो पे कमेंट भी कर दे उस बंदे का नाम जो फर्जी एस्ट्रोलॉजर है, तो हम मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इन सब चक्करों में मत आइए। और दूसरी चीज मैं आपको सबसे बढ़िया बताऊं, आपको कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए कि कोई बंदा डायरेक्ट नेपाल से माल मंगा रहा है या कहीं से ही मंगा रहा है, आपको मतलब होना चाहिए सही प्राइस में सही चीज मिलना और सही सर्टिफिकेट के साथ मिलना, सिंपल और क्लियर, और कोई बात है ही नहीं। आपको क्या करना, जैसे आज मैं बोल दूं ठीक है एक वीडियो बना के डाल दूं कि ये पुखराज देखिए 2.5 लाख रुपए का, अब आपने आके देखनी वो 2.5 लाख का है या नहीं, वीडियो में थंबनेल डाल देता हूं 10 लाख का पुखराज, है ना, ऐसा कोई वीडियो डाल देता हूं, ये एक रुद्राक्ष का एक फोटो बना के एक थंबनेल बना देता हूं, वीडियो डाल देता हूं धरती का सबसे बड़ा रुद्राक्ष, कुछ भी वीडियो बना के डाल देता हूं। अब क्या है, जो लोगों ने दिमाग नहीं लगाना वो खुश हो जाएंगे, अरे सर के पास तो धरती का सबसे बड़ा रुद्राक्ष है, और बेवकूफ बन जाएंगे। तो इन सब चक्करों में मत पड़िए। ऐसी मैं वीडियोस देख रहा हूँ अभी, मैंने कल परसों एक वीडियो देखी, हाँ वो बाबा जी की वीडियो है, धरती का सबसे बड़ा रुद्राक्ष है और ये फलाना सबसे बड़ा है और ये पुखराज धरती पे सबसे महंगा है। अरे भैया आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ चीज़ों का रियलिटी से कोई लेन देना है ही नहीं, ठीक है। आप एक बात समझना क्लियर कट, आप कभी भी चीज़ देखना, वीडियो के नीचे लोगों के हमेशा अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं, कभी कोई बुरे कमेंट ही नहीं होते, कोई क्रिटिसाइज करने वाले कमेंट ही नहीं होते, हमेशा अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझो देखो और आप खुद समझ में आएगा कि जेन्युइन में और फर्जी बाड़े में क्या अंतर है, है ना। बाकी भैया अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा, बट जो एक बात थी क्लियर कट बताने की वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। क्योंकि आजकल क्या है फर्जी वाड़ा बढ़ते जा रहा है, उस चक्कर में सबसे ज़्यादा दिक्कत मालूम है कहाँ हो रही है, जो ये ट्रेड है ना जेमस्टोन का, रुद्राक्ष का, पूजन आइटम का, एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स का, जो ये ट्रेड है, जो ये बिजनेस है ना, ये दिन पर दिन डिफेम होता जा रहा है। लोगों को इससे भरोसा है ना आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कहीं उठ ना जाए, है ना। क्योंकि क्या हो रहा है, चोर चकारी इतनी ज़्यादा बढ़ गए हैं, इतनी ज़्यादा लोग बाग हरामखोरी करने लगे हैं, छल कपट करने लग गए हैं, तो आने वाले टाइम में ऐसा डर लगता है कि लोगों का इससे भरोसा ना उठे। कोई क्या है, काम करने वाले चुनिंदा हैं और फर्जीवाड़ा करने वाले बहुत सारे हो गए हैं, और फर्जीवाड़ा भी ये नॉर्मल लेवल पे नहीं कर रहा है, खूब बड़ी बड़ी झांकियों के साथ कर रहा है, तो उन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है, ठीक है। बाकी भगवान पे भरोसा रखिए, अच्छे लोग भी जो है धीरे धीरे ऊपर आएंगे और फर्जीवाड़ा जो है आने वाले टाइम में कम हो जाएगा। तो बाकी फिर भी अगर किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी बाबा को ऐसा लग रहा हो कि मैं उसके ऊपर ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ या किसी दुकानदार को ऐसा लग रहा हो, तो भैया ऐसा नहीं है, मैंने किसी भी बंदे का नाम नहीं लिया है, मैं सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ एक ही उद्देश्य से, एक ही मोटिव से, कि जो फर्जी वाड़े वाले लोग हैं वो दिन पर दिन कम हो
और कम नहीं हो रहा है, तो आप उनको जो है उनकी वीडियो देखना बंद करें, उनके फर्जी बाड़े से जितना दूर हो सके उतना दूर हो जाए, ठीक है जी। और अच्छे लोगों को सपोर्ट करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो या मैं इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, मैंने आपको वीडियो में सब समझा दिया है, अब बाकी आपके ऊपर है कि आपको क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। बाकी जो लोग समझदार हैं वो बता ही देंगे कि आपको कैसे कैसे जो है आगे बढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।